हेलो फ्रेंड, मैं अकील खान। मेरे चैनल इन्फोटेक एंड रिसर्च में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना बीए का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, चाहे आपका किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आप किसी भी ईयर में हो, तो मैं आपको बताऊंगा अपना रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र में जाना है। गूगल ब्राउज़र में जाने के बाद आप यहाँ से सर्च करिए, जैसे मुझे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट चेक करना है तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। ये देखिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी बीए रिजल्ट, ये देखिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी रिजल्ट मैंने यहाँ फिल कर दिया। उसके बाद आपको क्लिक करना है इस पर, यहाँ पे शो करेगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आपका जो भी ईयर आपका हो आप उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो मेरा सेकंड ईयर का मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अब वहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। उसके बाद आपको इस तरह से शो होगा, आपको नीचे आ जाना है। जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट चेक का, आप उसी हिसाब से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर भी फिल कर सकते हैं, जो भी आपका हो। अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट ईयर वाले पे, अगर आपका सेकंड ईयर है तो आपको इस पर क्लिक करना है, थर्ड ईयर है तो इस पर क्लिक करना है आपको। तो मैं सेकंड ईयर का आपको बताता हूँ चेक करके। ये देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपको यहाँ पे अपना सब कुछ डाल देना है। यहाँ पूछ रहा है सिलेक्ट फ्रॉम, तो आपको यहाँ से यूनिवर्सिटी, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट फ्रॉम पे, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया, फिर यूनिवर्सिटी एडमिशन, यहाँ पे आपको इस पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है। मैं अपना एप्लीकेशन नंबर फिल कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैं अपना एप्लीकेशन फिल कर दिया। अब यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी यहाँ पे फिल कर देना है। पहले आपको डे डालना है, उसके बाद आपको दूसरे वाले ऑप्शन में मंथ और महीना डालना है, उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन में आपको ईयर डालना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ से सिक्योरिटी पिन मांगेगा, इंटर सिक्योरिटी पिन। आपको सिक्योरिटी पिन बहुत एहतियात से भरना है, बहुत ध्यान रख के, स्मॉल और कैपिटल देख के, जो भी हो आपको वही फिल करना है। उसके बाद गो के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से साइन वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना है। देखिए साइन इन, इस पर आपको क्लिक करना है, साइन इन पे इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका रिजल्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपके नाम की प्रोफाइल ये देखिए, कॉलेज का नाम हो जो भी है, ये देखिए इंस्टीट्यूट नेम, कोर्स बीए, इंस्टीट्यूट नेम एआर डिग्री कॉलेज, इस तरह से आपका आपको आपके सामने ओपन हो जाएगा वेबसाइट, नाम, जेंडर वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद आपको पूछेगा क्या रिजल्ट चेक करना है, तो आप यहाँ से रिजल्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए शो रिजल्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, इस पर यहाँ देखिए, ये देखिए आपको इस पर क्लिक करना है शो रिजल्ट के ऑप्शन पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मार्क्स है, सारे सब्जेक्ट डिटेल वाइज, कितना टोटल मार्क्स है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, यहाँ पे शो होगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे फिल करना है एग्ज़ाम टाइप आपका क्या है, रेगुलर है या बैक पेपर है या क्या है। तो आप रेगुलर पे, अगर रेगुलर है तो रेगुलर क्लिक कर दीजिए, ऐसे रेगुलर ही होता है नॉर्मली, तो रेगुलर पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईयर चुनना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कौन सा है, तो सेकंड ईयर मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे दोबारा अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है।
ये देखिए मैंने एप्लीकेशन नंबर दोबारा यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद चेक रिजल्ट वाले ऑप्शन पे आपको इस पर क्लिक करना है। चेक रिजल्ट जो रेड वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए आप। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका रिजल्ट ये देखिए शो हो जाएगा। ये देखिए मैं जूम करता हूँ, इकोनॉमिक ग्राफिक्स में मैक्सिमम 75 नंबर, प्रैक्टिकल में कितना है, उसके बाद जियोग्राफी में कितना है, टोटल मार्क्स कितना है, इस तरीके से आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यार अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।